Hello everyone, myself Dr. Jayesh Ghuge from Smile Plzzz Dental Clinic. So welcome back. आज का हमारा टॉपिक है दांतों के क्लीनिंग के बारे में, टीथ क्लीनिंग, दांतों की सफाई के बारे में. तो बेसिकली हम लोग जो नॉर्मली करते हैं, नॉर्मली हम लोग सिर्फ ब्रशिंग करते हैं. तो वो सब मुद्दों पे आज मैं बात करने वाला हूँ जो चीज़ें ज़रूरी है. उसके बाद हम लोग बात करेंगे टीथ क्लीनिंग जो क्लिनिक में होता है उसके बारे में. उसके बाद बात करेंगे टीथ ब्लीचिंग जो वाइटनिंग प्रोसीजर होता है एक, उसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहली बात जो मैंने बोली अभी कि टीथ क्लीनिंग के बारे में हम लोग आज बात करेंगे. जो नॉर्मली हम लोग ब्रशिंग करते हैं, बेसिकली दो टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम लोग दो टाइम ब्रश करें. लेकिन नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, हम लोग नॉर्मली एक ही टाइम ब्रश कर देते हैं. उसमें भी कुछ लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि हम लोग आधे घंटे तक दांत घसते रहेंगे, मंजन करते रहेंगे तो दांत अच्छे रहेंगे, पर ये ऐसा होता नहीं है. आइडियल टाइम फॉर ब्रशिंग इज 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes तक आपको ब्रश करना होता है. आपका ब्रश जो होना चाहिए वो सॉफ्ट ब्रिसल वाला होना चाहिए. ब्रशेस में अलग अलग टाइप आते हैं, हार्ड ब्रिसल वाला होता है, मीडियम वाला होता है और सॉफ्ट वाला होता है. तो नॉर्मली जो एडवाइजेबल है ये सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश, एंड एवरी 2 months यू शुड चेंज द ब्रश. आई एम टेलिंग यू मैक्सिमम 2 months. नहीं तो इंडिया में नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये होता है कि चल रहा है ब्रश, अच्छा दिख रहा है तो घस दो उसको, जब तक उसका एक एक ब्रिसल बाहर ना निकले तब तक हम लोग ब्रश करना नहीं छोड़ते. बट वो गलत है, क्योंकि ब्रिसल्स जैसे जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें माइक्रो क्रैक्स आते रहते हैं, तो और वो सॉफ्ट होने की वजह से उनका क्लीनिंग एबिलिटी भी कम होते जाता है. अभी कौन से ब्रशेस यूज़ करने हैं, देर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज इन द मार्केट. आई डोंट फील पर्सनली कि कोई इतना ब्रश के डिज़ाइन से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो दिखती है एडवर्टाइजमेंट्स में वगैरह, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. बट ब्रशिंग टेक्निक मैटर करती है. सो ब्रशिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए उसके ऊपर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं. सो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ दांत ब्रश करने की टेक्निक. तो नॉर्मली जो सबसे पहली गलती हम लोग करते हैं कि मुँह बंद करके दांत को सीधा मांजना चालू करते हैं. अगर आप ध्यान से ये मॉडल को देखेंगे, ये आइडियल मॉडल है, ये आइडियल बाइट ऐसा होना चाहिए आपका, जहाँ पे ऊपर वाले दांत के अंदर नीचे वाले दांत जाके बैठ जाते हैं. तो जब आप मुंह बंद करके ब्रश कर रहे हो तो आप ये एरिया क्लीन कर ही नहीं पाते हो. ये जो नीचे वाले दांतों का एरिया है वो क्लीन होता ही नहीं है. दूसरी बात, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि अंदर के साइड से भी दांत का सरफेस होता है जिसको क्लीन करना होता है, जो लोग नहीं करते हैं. सो बेसिकली जब हम लोग ब्रशिंग चालू करते हैं तो सबसे पहले आपको मुंह खुला रखना है और ऊपर के दांतों से स्टार्ट करना है, विच एवर इज कम्फर्टेबल. मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऊपर से या नीचे से, जो आपको कम्फर्टेबल है. लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि सबसे पीछे वाले दांत के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग. आधे ब्रिसल्स आपके गम्स पे होने चाहिए, आधे ब्रिसल्स दांत पे. अगर ऊपर वाले दांतों के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रश को नीचे की तरफ स्वाइप करना है, नीचे की तरफ मांझना है दांतों को, ठीक है. एक 20 से 25 स्ट्रोक्स होने के बाद आगे की तरफ ब्रश को लेना है और ये दांतों को 20 से 25 बार स्वाइप करना है. सेम तरीके से ब्रश रखना है कि आधे ब्रिसल्स दांत पे होने चाहिए, आधे ब्रिसल्स मसूड़े पे होने चाहिए. उसके बाद आगे आएंगे, सेम करेंगे 20 से 25 बार. जब हम लोग सेंटर में पहुंच जाते हैं, ये जो मिड लाइन है, ये जो सेंटर वाली लाइन होती है नाक के नीचे, तो वहाँ पे जब हम लोग पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम लोग दूसरे साइड से चालू करेंगे. सेम, मुंह को खुला रखना है, पीछे के दांतों से स्टार्ट करना है. जैसे ही हम लोग ब्रश रख रहे हैं तो आधे ब्रिसल गम्स पे, आधे ब्रिसल दांतों पे और नीचे की तरफ स्वाइप करना है, ठीक है. सेम 20 से 25 बार स्ट्रोक्स, देन आगे बढ़ना है. सेम 20 से 25 बार स्ट्रोक्स, देन आगे बढ़ना है 20 से 25 बार. ये हो गया ऊपर के दांतों का बाहरी हिस्सा. अभी ऊपर के दांतों के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो हिस्से से, जो भाग से हम लोग खाना खाते हैं उसको क्लीन करने के लिए उसको बाहर की तरफ खींचना है. जैसे पीछे के दांत से हमने स्टार्ट किया तो बाहर की तरफ खींचा, ठीक है. ये 20 से 25 बार स्ट्रोक्स, दूसरे बाजू में भी सेम 20 से 25 बार.
अंदर वाली बाजू जो है उसको साफ करने के लिए अंदर से ब्रश ऐसा बाहर की तरफ निकालना है। आप शायद देख पा रहे होंगे अच्छे से, मैं वापस एक बार दिखा देता हूं। ये ब्रश को ऐसे पकड़ा, ऊपर वाले जबड़े में ऐसे रखा और उसको नीचे खींचा, नीचे की तरफ। ये पीछे के दांतों के लिए कर सकते हैं, लेकिन आगे के दांतों को कैसा करेंगे? तो ब्रश को एक एंगल पे पकड़ना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 45 डिग्रीज। अभी वो हर एक के दांत कौन से एंगल पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर अंदर के साइड से करने के लिए ब्रश को ऐसा सीधा पकड़े और उसको बाहर की तरफ खींचे। और सेम हर जगह पे आप ब्रश रख रहे हो, 20 से 25 बार स्ट्रोक्स देने हैं, देन आगे क्या एरिया कवर करना है। ये हो गया ऊपर के जबड़े के बारे में। अभी नीचे के बाजू के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, सब सेम है, सिर्फ डायरेक्शंस उल्टे हैं, उल्टे तरीके में करना है। पीछे के दांतों से स्टार्ट करना है, आधे ब्रिसल्स मसूड़े पे रखने हैं, आधे ब्रिसल्स दांतों पे रखने हैं, लेकिन ऊपर की तरफ ब्रश को स्वाइप करना है। ऊपर वाले दांतों को हम लोग नीचे की तरफ कर रहे थे, नीचे वाले दांतों को ऊपर की तरफ। सेम 20 से 25 स्ट्रोक्स, देन आगे बढ़ना है। सेम 20 से 25 स्ट्रोक्स, देन आगे बढ़ना है। 20 से 25 स्ट्रोक्स, मिड लाइन पे पहुंच गए हम लोग, ये सेंटर वाली लाइन पे पहुंच गए, तो उल्टे बाजू से चालू करना है। सेम 20 से 25 बार स्ट्रोक्स, सेम यही चीज अंदर के सरफेस को भी वही लागू होता है, उल्टे बाजू में ब्रश को घुमाना है एज कंपेयर टू अपर जॉ। मतलब ऊपर वाले में हम लोग नीचे खींच रहे थे, यहां पे ऊपर की तरफ करना है। जो सतह से हम लोग खाना खा रहे हैं उसको बाहर की तरफ खींच के क्लीन करना है, और जो नीचे के सामने के दांत होते हैं यहाँ के, उसको क्लीन करने के लिए ब्रश को उल्टा पकड़िए और बाहर की तरफ खींचिए। सेम 20 से 25 स्ट्रोक्स एक बार रखने के बाद। तो ये हो गया नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक। पर ये नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक सफिशियंट है? सही बताऊं तो नहीं, क्योंकि ये जो ब्रशिंग हमने की है, हमने बाहर का अंदर का बाजू का सब साफ कर दिया, लेकिन ये दांतों के बीच में क्या, ये जो बीच में गैप्स है उनका क्या? तो उनको क्लीन करने के लिए आता है डेंटल फ्लॉस। वो भी टेक्निक मैं आपको दिखा देता हूं। ये होता है फ्लॉस। अभी इसमें भी अलग अलग ब्रांड्स है, अलग अलग शेप की डिब्बी आती है, दूसरे तरीका का भी फ्लॉस आता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इसको अंदर ऐसा थ्रेड होता है, जो थ्रेड ऐसे खींच के निकालना है जितना आपको जरूरी है, उसको निकाल दिया तो उसका कटर यहीं पे है जहाँ पे आपने चिपकाया था, इसका एंड चिपका हुआ रहता है, वहीं पे डाल के उसको सिंपली खींच लेंगे, टूट जाएगा। वो कटर ही क्यों यूज़ करना है उसका? क्योंकि वो ऐसा कितना भी खींचोगे ये टूटेगा नहीं। सी आई एम ट्राइंग टू पुल इट आउट, कितना जोर लगा रहा हूँ। प्लस ये वैक्स्ड रहता है, मतलब इसके ऊपर वैक्स का लेयरिंग रहता है, क्योंकि ये स्मूदली दो दांतों के बीच में जाए। तो इस फ्लॉस को आपकी बीच वाली उंगली में ये ऐसे लपेटना है, एक बाजू में, दूसरे बाजू में ऐसे लपेटना है। फर्स्ट फिंगर जो होती है उसको फ्री रखना है ताकि आप दांतों के बीच में उसको डाल सके, प्लेस कर सके, और उसको आगे पीछे करते वक्त करते हुए निकाल लेना है। इसमें नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि ऐसे बीच वाली उंगली में इसको लपेटना है, ये ऐसे टाई कर दिया, ये यहाँ पे टाई कर दिया, ये अंगूठे से उसको लॉक कर दिया, और फिर ये फिंगर से किसी भी दो दांतों में, मैं सामने से अगर दिखाऊं ये नीचे वाला है, इसमें हम लोग ऐसा डाल के आगे पीछे करते हुए, ऐसे आगे पीछे करते हुए इसको उठा लेंगे। सेम पीछे के दांतों में भी हम लोग कर सकते हैं, आगे पीछे करेंगे, उठा लेंगे। जो कुछ भी दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना होगा जो इसकी वजह से क्लीन हो जाएगा। ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरली सबके दांतों के कॉन्टैक्ट्स इतने टाइट होते नहीं है। ये मॉडल है इसके ऊपर, इसके लिए हर दांत के अंदर जा नहीं पा रहा है फ्लॉस, लेकिन नेचुरली इतने टाइट कॉन्टैक्ट्स होते नहीं है। प्लस दांत के बीच में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था आपको, कि लिगामेंट होता है जिसकी वजह से दांत थोड़ा सा मूव होते रहते हैं, तो ये इतना सा पतला सा थ्रेड जाने के लिए उसमें जगह होती ही है। ये सब था नेचुरल क्लीनिंग, जो हम लोग दांतों की सफाई नेचुरली रखते हैं उसके बारे में। ब्रशिंग टेक्निक के बारे में हमने बात की, ब्रशिंग के साथ फ्लॉसिंग क्यों करना ज़रूरी है ये हमने बात की। अभी बात आती है दो चीज़ों की, एक माउथ वॉश और दूसरा कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें। तो सबसे पहली बात, टूथपेस्ट एक्चुअली डजेंट मैटर दैट मच। सारे टूथपेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ सेंसिटिविटी वाले कुछ अलग आते हैं जो हम लोग नॉर्मली सेंसिटिविटी में प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर ब्लीडिंग गम्स है आपको सीवियर,
या फिर मॉडरेट लेवल पे है तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा एक टूथपेस्ट चेंज करके देते हैं। सो अगर टूथपेस्ट चेंज करना है तो आपके डेंटिस्ट के एडवाइस से ही करें, नहीं तो एज सच टूथपेस्ट में कुछ फ़र्क होता नहीं है। दूसरी बात, माउथ वॉश, माउथ वॉश करना ज़रूरी है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। माउथ वॉश ये चीज़ है कि जस्ट आपका माइक्रोबैक्टीरियल फ्लोरा थोड़ी देर के लिए चेंज होता है, बट माउथ वॉश कैनॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर योर ब्रशिंग। मतलब आप ब्रशिंग स्किप करके या फिर ब्रशिंग ना करके सिर्फ मैं माउथ वॉश करूँगा तो चलेगा क्या? तो ये सवाल का जवाब है ना, नहीं चलेगा। माउथ वॉश जैसे हमने अभी बताया कि दो टाइम ब्रशिंग, सुबह उठते से ही और रात को सोने से पहले। इसके बीच में अगर दिन में आपको लगता है थोड़ा फ्रेशनेस माउथ में अगर आपको चाहिए तो आप माउथ वॉश एक टाइम यूज़ कर सकते हो। हाँ, कुछ माउथ वॉशेस आते हैं जो मेडिकेटेड होते हैं, जो डॉक्टर के एडवाइस से ही आप लो, आपके डेंटिस्ट के एडवाइस से लो, ये मैं बताना यहाँ पे ज़रूरी समझूंगा। क्योंकि मेडिकेटेड माउथ वॉश होते हैं तो उनका कुछ यूज़ भी होता है, कुछ हार्म भी होता है। तो नॉर्मली जो दिया जाता है वो क्लोरहेक्सिडिन है, जो वाइडली यूज़ किया जाता है, ज़्यादा पैमाने पे जो यूज़ किया जाता है क्लोरहेक्सिडिन, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसको कितना यूज़ करना है, कैसे करना है, वो आपको आपके डेंटिस्ट अच्छी तरीके से बता पाएंगे। सो दिस वॉज इट अबाउट क्लीनिंग फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में भेज दीजिए, तो हम लोग उसके ऊपर डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।